नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको काशीपति विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, अस्तु दोनों को ही एक ही रूप समझना चाहिए। जब ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह एक रूप दो रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने हेतु 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आनंद वन, काशी, वाराणसी, अभिमुक्त, रुद्र क्षेत्र तथा महाशमशान आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह स्थान शिवजी तथा उनकी शक्ति को अत्यंत प्रिय है। शिव तथा शक्ति ने उस स्थान में बहुत समय तक विहार किया, तदुपरांत उनकी यह इच्छा हुई कि हम किसी बलवान पुरुष को उत्पन्न करें। अस्तु उन्होंने अपनी बाई भुजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जो 4 भुजाएं धारण किए हुए था, उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरा क्या नाम है और आप मुझे किस कार्य के करने की आज्ञा देते हैं? उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की और अधिक वृद्धि हो। इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तब शिवजी की आज्ञा मानकर विष्णु जी ने तपस्या करने के हेतु सर्वप्रथम एक पुष्करणी को अपने हाथों से खोदा, फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के उपरांत 50 सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मग्न हो गए। जब उस तपस्या को कोई फल न मिला तब वे अत्यंत चिंतित हुए। उसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें वर प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तपस्या करना आरंभ किया। उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु को अपना दर्शन दिया। उस समय शिव जी के कान से एक मणि कर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थल संसार में मण कर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब शिव जी ने विष्णु जी से वर मांगने के लिए कहा तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी अप्रमेय भक्ति का वर दीजिए तथा ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो। शिव जी ने विष्णु की यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के हेतु पुनः तपस्या करो। विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक दोबारा तपस्या करने पर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला करना चाहते थे। उधर तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी अत्यंत चिंतित हुए, परंतु शिव जी की माया के कारण वास्तविक वेद को नहीं जान सके। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी, तब शिव जी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर ऊपर उठा लिया। उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी तथा चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। तदुपरांत शिव जी ने अपनी दाहिनी भुजा से मुझे उत्पन्न करके उस कमल के ऊपर बैठा दिया, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण मुझे यह ज्ञान न हो सका कि मैं किस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ। उस समय कमल पर बैठे हुए जब मैं अपने जन्म के विषय में सोच रहा था, तभी अचानक ही मुझे यह ध्यान आया कि जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ होगा, वह स्थान ही मेरी उत्पत्ति का मूल होगा। अस्तु मैं उस कमल की जड़ का पता लगाने के लिए कमल नाल के मार्ग द्वारा नीचे की ओर चल दिया, परंतु ब्रह्मा जी को 100 वर्षों तक निरंतर चलने पर भी उस कमल की जड़ का मूल नहीं मिला। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो, तब तुम्हें वास्तविक वेद का ज्ञान होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी तप करने में लीन हो गए। तदुपरांत शिव जी ने अपनी लीला द्वारा विष्णु जी को सचेत करके ब्रह्मा जी के पास भेजा। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के समीप आकर वर मांगने के लिए कहा, तब ब्रह्मा जी उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उस समय विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी उनसे विवाद करने लगे।
उसी समय शिव जी एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुए। वह ज्वाला पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई दिखाई दी। उस समय ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्वाला के प्रारंभिक तथा अंतिम छोर को जानने के लिए बहुत समय तक भटकते रहे, परंतु जब सफलता न मिली तो उसी समय उस कमल पुष्प पर आकर खड़े हो गए। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन दिया और कहा, हे ब्रह्मा जी तथा हे विष्णु जी, अब ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य करें तथा विष्णु जी उसका पालन करें। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के अदृश्य हो जाने पर विष्णु जी भी अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने वैकुंठ लोक का निर्माण किया और उसी में निवास करने लगे। तदुपरांत ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने लगे। इस सृष्टि में जो 50 कोटि योजन विस्तार के 14 लोक तथा पृथ्वी के ऊपर नीचे 14 भुवन दिखाई देते हैं, वे सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। भगवान सदाशिव स्वयं निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं तथा मैं विष्णु और हर उनके सगुण रूप में प्रकट होकर सांसारिक कार्यों को किया करते हैं। शिव जी के स्वरूप को 2 प्रकार कहे गए हैं, पहला अक्षर तथा दूसरा अक्षर। भगवान सदाशिव निर्गुण तथा सगुण रूप से सब जगह विद्वान हैं। उनकी महिमा को कोई भी नहीं जान पाता। सभी प्राणियों को यह उचित है कि जब तक निर्गुण रूप का पूरा हाल न जान लें, तब तक सगुण रूप के जानने में लगे रहें। जो भक्त निर्गुण रूप को जान लेता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जब निर्गुण रूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जीव के सभी कार्य छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण लोक ब्रह्म रूप दिखाई देने लगते हैं। यह ज्ञान अत्यंत कठिन तथा दुर्लभ है, इसे कोई कोई सत्पुरुष ही जान पाते हैं। अनेक जन्मों के अभ्यास द्वारा योगियों को यह ज्ञान बहुत अल्प मात्रा में होता है। एक दिन जब शिव जी ने संसार के कल्याण के निमित्त यह विचार किया कि ब्रह्मा ने हमारी अज्ञा द्वारा सृष्टि को तो उत्पन्न किया, परंतु ब्रह्मांड के जीव अपने कर्मों में बंधे रहकर हमारे स्वरूप को किस प्रकार जान सकेंगे, तब उन्होंने यह लीला की कि जिस काशी को उन्होंने अपने त्रिशूल पर उठा रखा था उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने लिंग अभिमुक्त अर्थात विश्वनाथ को काशी में स्थापित करके यह कहा, काशी हमारा क्षेत्र है, अस्तु यह कभी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति हमारे अंश से हुई है, इसलिए यह हमें अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस काशी के दर्शन करेंगे वे आवागमन से छूट जाएंगे और जो यहाँ की यात्रा करेंगे वे परम पद को प्राप्त हुआ करेंगे। जब हम समय पाकर प्रलय किया करेंगे उस समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर बचा लिया करेंगे। तदुपरांत जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन्न करेंगे तब हम इसे फिर उसी स्थान पर स्थित कर दिया करेंगे। अब तुम इस काशी में निवास करके यहाँ की रक्षा करो। भगवान सदाशिव ने विश्वनाथ लिंग से यह कहकर उन्हें काशी सहित मृत्यु लोक में लाकर स्थापित कर दिया। तभी से यह काशी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त प्राणियों को भव सागर से पार उतारा करता है। उस स्थान पर मुक्ति दासी के समान निवास किया करती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है उसे भी काशी मुक्ति प्रदान करती है। भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार काशी संपूर्ण दुखों को नष्ट करने में कुलाड़ी के समान है। उस काशी को पाकर विश्वनाथ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा संपूर्ण संसार स्नात हो गया। जब विश्वनाथ जी काशी सहित लिंग रूप में प्रकट हुए तब मैं तथा विष्णु जी अपने गणों सहित शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। सब देवता दिग्पाल सनकादिक तथा रिद्धि सिद्धियों सहित इंद्र भी वहां जा पहुंचे। तब हम सब लोगों ने बड़ा उत्सव करके सुख प्राप्त किया और उस विश्वनाथ लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब सब लोगों ने मिलकर स्तुति की उस समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन दिया। शिव जी का वह स्वरूप अत्यंत सुखद तथा चतुर्भुजी था। उनके संपूर्ण गौर शरीर पर श्वेत भस्म लगी हुई थी और प्रत्येक अंग सुडेल थे। भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर हम सब लोग कृतार्थ हो गए। तदुपरांत हमने उन्हें प्रणाम करते हुए यह स्तुति की, हे प्रभु आप इस काशीपुरी में सदैव स्थित रहें तथा यह क्षेत्र अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हो। आपका यह विश्वनाथ नामक लिंग सबसे श्रेष्ठ तथा पूर्ण अंश संयुक्त है, अस्तु यह यहाँ पर सदैव स्थित रहें।
हम लोगों की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने ऐ मस्तु कहा। शक्ति तथा नंदी ने भी हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वह ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर विश्वनाथ तथा अभिमुक्त नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। उसका दर्शन पूजन एवं स्मरण करने से संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तीन लोकों में काशीपुरी के समान न तो कोई दूसरी पुरी है और न विश्वनाथ लिंग के समान अन्य कोई लिंग है। विश्वनाथ लिंग तथा काशी की कथा भक्तों को मुक्ति देने वाली है। उस पवित्र काशीपुरी में मणिकर्णिका तीर्थ ऐसा है जो सब प्राणियों की मनोकामनाएं पूरी करता है। जब नश्वर संसार में अनश्वर काशी का आगमन हुआ उस समय सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत सब मनुष्य काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के हेतु स्त्री पुरुषों को साथ ले बड़ी धूमधाम से चले। वह समाज जब काशीपुरी में इकट्ठा हुआ तो ऐसा आनंद दिखाई देने लगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे लोग गाते बजाते हुए विश्वनाथ मंदिर के समीप पहुँचे और उनका दर्शन तथा पूजन करके जय जयकार करने लगे। जब एक स्त्री ने लोगों के मुख से विश्वनाथ लिंग की महिमा सुनी तो उसने अपने कृपण पति से यह कहा, हे पति, आप भी भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मुझे ले चलें, क्योंकि संपूर्ण संसार उनके गुणों का वर्णन कर रहा है। अपनी स्त्री की बात सुनकर वह कृपण मनुष्य बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने यह सोचा था कि यदि मैं इसे लेकर काशी को गया तो कुछ द्रव्य खर्च करना पड़ेगा। आज तो वह अपनी पत्नी से बोला, अरे बावली, तू यह क्या विचित्र बात कहने बैठ गई है। तू यह अच्छी तरह जानती है कि मैंने बड़े परिश्रम पूर्वक धन एकत्रित किया है। मैं इस कमाई को व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं कर सकता। इसे परिश्रम पूर्वक संचय करके रखना चाहिए। अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर उस शिव भक्ता नारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपका कथन सत्य है। धन का संग्रह करना सर्वथा उचित है, परंतु उसे शिव जी के निमित्त व्यय करना भी आवश्यक है। शिव जी की भक्ति से और भी अधिक धन की प्राप्ति होती है। शिव जी के गुणों का श्रवण करने वाले कान ही श्रेष्ठ हैं तथा जो नाक शिव जी के चरणों की सुगंध ग्रहण करती है वही प्रशंसा के योग्य है। जो पांव शिव क्षेत्र की यात्रा करें उन्हें उत्तम समझना चाहिए। मनुष्य को उचित है कि उसे जो वस्तु प्रिय हो उसे शिव जी के हित में अर्पित कर दें। भगवान विश्वनाथ का पूजन बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। अस्तु, मैं यह कहती हूँ कि इस समय सब लोग शिव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, सो आप भी चलने की तैयारी करें। विद्वानों का कहना है कि संसार में धर्म से बढ़कर अन्य कोई कर्म नहीं है तथा धन धर्म के अधीन रहता है। पत्नी के मुख से यह बात सुनकर कृपण ने उत्तर दिया, है प्रिय, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। तब हमें क्या आवश्यकता है कि हम अपने धन को व्यर्थ ही व्यय कर दें। भला तुम सोचो कि जिन हाथों द्वारा धन को पैदा किया जाता है उन्हीं हाथों द्वारा उसको व्यय कर देना किस प्रकार मंगलदायक हो सकता है। यह सुनकर जब उस स्त्री ने फिर हट किया तब वह कृपण अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहने लगा, अरे मूर्खा, स्त्री को उचित है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार पति के ऊपर अपनी आज्ञा चलाना शोभनीय नहीं है। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा, अब मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ, फिर तू यहाँ रहकर जो मन में आवे वह करती रहना। इस प्रकार कहकर वह कृपण अपने घर से चला गया और उसकी स्त्री शिवजी के प्रेम में मग्न हो घर में बैठी विलाप करती रही। वह कृपण वन में जाकर बहुत विलाप करने लगा। उसी समय एक शिव भक्त उनके पास जा पहुँचा। जब उसने कृपण से रोने का कारण पूछा और कृपण ने उसे सब हाल कह सुनाया तब उसने समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे कृपण, तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें शेष धर्म की शिक्षा दी थी, परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुमने जिस धन को अत्यंत परिश्रम पूर्वक एकत्रित किया है वह तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएगा। अस्तु, तुम्हें भी उचित है कि तुम इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन अवश्य करो। जो प्राणी मनुष्य जन शरीर पाकर माया मोह में भूला रहता है उसे पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार शिव भक्त ने उसे सदुपदेश किया तब वह कृपण भी अपनी भूल को स्वीकार कर शिव जी के प्रेम में मग्न हो गया और इस प्रकार कहने लगा, हे बंधु, मैं अब तक वास्तव में अज्ञान अवस्था में था। आपके वचन सुनकर मुझे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर शिव जी के भक्त ने कहा, हे बंधु, संसार में उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। उत्तम उन्हें समझना चाहिए
जो इस संसार को नाशवान समझकर अहंकार को त्याग देते हैं तथा भगवान सदाशिव के ध्यान में सदैव मग्न बने रहते हैं। ऐसे लोग आवागमन से छूट जाते हैं तथा सांसारिक बंधनों को निस्सार समझकर उनसे वैराग्य ले लेते हैं। हे बंधु, मध्यम पुरुष वे हैं जो कभी हाथी पर चढ़ते हैं और कभी मस्तक पर बोझ लादकर भ्रमण करते हैं। वे कभी धनवान हो जाते हैं, कभी निर्धन, परंतु इस श्रेणी के लोग भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते। वे संसार में लिप्त रहते हुए भी उससे मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने में संलग्न रहते हैं। हे बंधु, अधम लोग वे हैं जो अन्य जीवों पर दया न करके दूसरों का अहित करने तथा पाप कर्म करने में दिन रात लगे रहते हैं। वे दूसरों को प्रसन्न देखकर स्वयं ईर्ष्या से जला करते हैं तथा दूसरों की बुराई करना ही उन्हें संतोष देने वाला होता है। ऐसे लोग धर्म कर्म से विमुख रहते हैं तथा कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। तब यदि कहीं कोई शुभ कर्म बन जाता है तो सत्संग द्वारा श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। हे बंधु, विश्वामित्र, रावण तथा कुंभकर्ण आदि के वृतांत से यह बात भली प्रकार जानी जाती है कि श्रेष्ठ संगति तथा बुरी संगति का प्रभाव कैसा फलदायक होता है। अस्तु तुम अपने मन को अधर्म से हटाकर शिवजी के चरणों में लगाओ और भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन के हेतु काशीपुरी को प्रस्थान करो। शिव भक्त के मुख से इस उपदेश को सुनकर जब कृपण के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह उससे विदा होकर अपने घर लौटाया और अपनी स्त्री से इस प्रकार कहने लगा। हे प्रिय, वे स्त्रियां परम धन्य हैं जिन्होंने शिव जी की पूजा का व्रत लिया है, जो सदैव अपने धर्म पर स्थित रहती हैं। अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर स्त्री ने जब यह पूछा कि आपने ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ से प्राप्त की है, तो उस कृपण ने इसे भक्त के मिलने का सब वृतांत कह सुनाया। तदुपरांत दोनों पति पत्नी अपनी संतान सहित भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के हेतु काशी जी में गए। वहां उन्होंने सुगंधित पुष्प एवं अखंडित बिल पत्रों द्वारा भगवान विश्वेश्वरनाथ का पूजन किया तथा शिव जी के नाम पर बहुत सा दान भी दिया। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक से पूजन और विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात वे अपने घर को लौट आए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।